टू कॉसेक टू एक्स प्लस कॉसेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाई टू। इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, छोटा ही सम है। टू कॉसेक टू एक्स को ध्यान से सुनते रहना, जहां पे डाउट आएगा वहां पे रुकना। टू अपॉन साइन टू एक्स लिख सकते हैं, और इसको वन अपॉन साइन एक्स लिखेंगे। ओके, बिकॉज कॉसेक एक्स इज वन अपॉन साइन। एलसीएम ले लो, पहले इसका फॉर्मूला लगा दो, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये टू गया, वन बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वन बाय साइन एक्स। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, इसके पास तो दोनों भी है, वन प्लस कॉस एक्स। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? सर वन प्लस कॉस एक्स कैसे है? ये साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम है, इसके पास सिर्फ साइन एक्स है, क्या नहीं है? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इनटू वन विल बी कॉस एक्स, है ना। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस एक्स के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन इंटू वन विल बी वन, वन इंटू कॉस एक्स विल बी कॉस एक्स, सो योर एलसीएम विल बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नाउ टेल मी व्हाट इज द हाफ एंगल फॉर्म ऑफ वन प्लस कॉस एक्स, विल बी टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। व्हाट इज द हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स, विल बी टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स। ये टू गया, ये एक कॉस और ये एक कॉस गया। नाउ कॉस अपॉन साइन इज कॉट एक्स बाय टू, वन अपॉन कॉस इज सेक एक्स इज इक्वल्स टू आर एच एस। सर नॉट अंडरस्टैंड, इजी है फॉर्मूला देखो, इसके आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए भाई। फॉर्मूला आ गया तो सब आ गया, फॉर्मूला नहीं आया सर थर्ड स्टेप से वापस समझो। देखो मैं पूरा ही वापस समझाता हूँ। 2 cosec 2x है, cosec 2x को 1 upon sin 2x लिखा और cosec x को 1 upon sin x लिखा। sin 2x का basic formula 2 sin x into cos x, ये सेम। अब ये LCM में इसके पास sin cos है, इसके पास sin है, तो LCM आएगा sin into cos, sin into cos LCM ले लिया, ये 2 2 कट कर दिया, sin into cos LCM ले लिया। इसके पास sin into cos दोनों है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 into 1 will be 1, इसके पास सिर्फ sin x है, cos x नहीं है, तो इसको cos x से मल्टीप्लाई करूंगा बैलेंस करने के लिए, तो 1 into cos x will be cos x upon में sin x into cos x। अभी 1 plus cos x का फॉर्मूला 2 cos square x by 2, sin x का फॉर्मूला 2 sin x by 2 cos x by 2 into cos x। ये 2 और 2 गया, एक cos और एक cos गया, cos upon sin बचा cot, 1 upon cos बचा sec, sec into cot x by 2, sec into cos x by 2 is equal to RHS, simple। क्या प्रॉब्लम है पूछो। सर ये कॉस एक्स कहाँ से आया? लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप में एलसीएम लिया, एलसीएम नहीं, ये यहाँ सेकंड लास्ट स्टेप, ये कॉस एक्स तो है ही ना, ये कॉस एक्स। हाँ सर समझा। सर मतलब आपने दोनों एक साइड को पहले वन से मल्टीप्लाई किया, दूसरी साइड को कॉस से मल्टीप्लाई किया। हाँ बराबर ना, हाँ, into one into cos, so that LCM will be sin x into cos x। Getting it or still you have a doubt? Sir get it, okay, understand sir, good। LCM लिया बेटा, नसीर इसका LCM, ये sin 2x का formula गया 2 sin x into cos x, ये 2 2 गया और ये एज इट इज लिखा, फिर तेरे पास यहाँ पे साइन इंटू कॉस और यहाँ पे सिर्फ साइन है, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन इंटू कॉस एलसीएम आ गया। अभी साइन इंटू कॉस दोनों के पास होना चाहिए, इसके पास साइन इंटू कॉस है तो इसको वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके पास सिर्फ साइन है
एलसीएम है साइन इंटू कॉस, इसके पास सिर्फ साइन है, क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो इसको कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाय कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू वन विल बी कॉस एक्स। तुम लोग को एलसीएम में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, वन बाय फोर और वन बाय टू एलसीएम क्या आएगा, वन बाय फोर प्लस वन बाय टू एलसीएम क्या आएगा, फोर आएगा ना, एलसीएम फोर आया, तो इसको वन से मल्टीप्लाई करोगे, इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे, वैसे ही साइन इंटू कॉस एलसीएम आया तो इसको वन से मल्टीप्लाई करोगे, इसको कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, सेम चीज है, आपको डिनोमिनेटर सेम लाना है, तभी तो एलसीएम बोला जाता है। ग्रेट, वेरी गुड। Done, sir. So we are on to the question number 18. 4 cos x. Question nikal raha hu sir. Into cos pi by 3 plus x. Into cos pi by 3 minus x is equal to cos 3x. सर हाँ सर, आपने क्वेश्चन में टू तो लिखा ही नहीं, कौन सा टू पाई बाई थ्री माइनस एक्स, टू पाई बाई थ्री माइनस एक्स, नहीं करेक्शन क्वेश्चन में करो, ये क्वेश्चन राइट लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, करेक्शन है, फोर कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई थ्री माइनस एक्स, पाई बाई थ्री प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाई थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स, क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन हैज अ मिस्टेक, इट हैज अ करेक्शन, करेक्ट कर लो, एग्जाम चालू रखे नहीं कर सकते, चलो लेट्स स्टार्ट, 4 cos x into cos pi by 3 plus x is equal to cos pi by 3 minus x into cos pi by 3 minus x is equal to cos 3x, बहुत ध्यान से सुनना, इजी है, LHS आ जाएगा, ये सेम टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन है उसको करेक्शन करेंगे आप, pi by 3 plus x cos pi by 3 minus x 4 cos x, अभी ध्यान से समझना, cos a plus b, cos a plus b फॉर्मूला आएगा cos a cos b minus sin a sin b into cos a minus b cos a cos b plus sin a sin b, any doubt, लिखना नहीं है आपको, मैं पहले ही बोलता हूँ, जब तक सॉल्व हो नहीं जाए पूरा आपको लिखना नहीं है, लिखने का कोई घाई नहीं है, समझ में आने के बाद ही लिखना है आपको, सिंपल बात, पहले मैंने क्या क्या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे मैंने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, आई थिंक इट इज क्लियर, फोर कॉस एक्स, कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू बताओ, कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू बताओ, cos pi by 3
इज हाफ इंटू कॉस एक्स साइन पाई बाई थ्री रूट थ्री बाई टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई थ्री हाफ इंटू कॉस एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू इंटू साइन एक्स डन वैल्यूज डाल दिया फोर कॉस एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी सी अगेन आई सेलिंग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना बेटा माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू साइन एक्स डी होल स्क्वायर गेटिंग इट ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फोर कॉस एक्स वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर कॉस स्क्वायर एक्स थ्री बाई फोर साइन स्क्वायर एक्स क्लियर ये जो फोर कॉस एक्स है ये दोनों के साथ को मल्टीप्लाई करो सो फोर कॉस एक्स इंटू वन बाई फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर कॉस एक्स इंटू थ्री बाई फोर साइन स्क्वायर एक्स ये फोर और ये फोर गया ये फोर और ये फोर गया cos x into cos square x will be cos cube x cos x into sin square x ko maine likhunga 1 minus cos square x cos cube x minus cos x minus cos cube x aur yahan pe 3 bhi bacha hai minus 3 ye bachega minus 3 ye bachega plus 3 So this is 4 cos cube x minus 3 cos x is the formula of cos 3x which is equals to RHS. Yes, tell me. यहाँ पे 3 बचा है देखो 3 cos x into sin square x को मैंने लिखा 1 minus cos square x minus 3 cos x into 1 is minus 3 cos x ये minus और ये minus हो गया plus 3 cos x into cos square x 3 cos cube x cos cube x plus 3 cos cube x 4 cos cube x minus 3 cos x is the formula of cos 3x cos 3x कोई भी स्टेप में क्वेश्चन है तो पूछो सर हाँ बेटा सर आपने 1 upon 4 and minus 3 upon 4 को कॉमन क्यों नहीं निकाल लिया बाहर क्यों निकाल लिया क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है वो भी चलेगा ना निकालोगे 1 by 4 आप बाहर निकालोगे तो भी चलेगा 4 कट जाएगा that will be easy वो भी चलेगा ये 1 by 4 सिर्फ बाहर निकाल सकते हो 1 by 4 यहाँ पे 3 तो बचे गए अंदर चलेगा बेटा सेम आंसर पे आओगे आपका ये 4 पहले ही कट हो जाएगा ये 4 मैंने ये स्टेप पे कट किया ना ये दोनों 4 आपका बाहर ही कट हो जाएगा यू कैन डू दैट यस Any question, any doubt?
डन, 7 मिनट ओके, आराम से आराम से, कोई गाय नहीं, जो स्टेप नहीं समझ में आया होगा पूछो। Okay, so finally on the last question of the big exercise, the last ka part mat rough karna, ha ha, ye side rough karta hu bas kal, so finally 3.3 comes to an end now. Last question remaining, and we have solved every sum. Question number 18, question number 19. So, sin x into 10x by 2. Plus 2 cos x is equal to 2 upon 1 plus 10 square x by 2. Sin x into 10 x by 2 plus 2 cos x equals 1 plus 10 square x by 2. So this is easy. Now is this done? Is this done now? Yes, sir. या ओके, चलो वापस ध्यान देना, लिखना नहीं, समझ लेना, लेफ्ट हैंड साइड साइन एक्स बाय टेन एक्स बाय टू प्लस टू कॉस एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला लगा देता हूँ हाफ एंगल का, टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू इंटू टेन एक्स बाय टू को लिखता हूँ साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू प्लस टू कॉस एक्स एज इट इज। एनी क्वेश्चन? साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, टेन एक्स का बेसिक साइन बाय कॉस लिख दिया, सो दिस विल गेट कैंसल, कॉस एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, दिस विल बी टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू कॉस एक्स। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ दिस, this is now really tricky, you can write 1 minus cos x, 1 minus cos x ka formula dekho, half angle mein 1 minus cos x ka formula dekho, half angle mein 1 minus cos x ka formula dekho, you will get the answer 2 sin square x by 2, 1 minus cos x plus 2 cos x will be 1 plus cos x, okay, 1 plus cos x is 2 cos square x by 2, again the half angle formula, now this you can write 2 sec square x by 2, and so also you can write 1 plus 10 square x by 2, dekho sum kidhar se kidhar ghum gaya, see this is the beauty of ego, you know, you have to think and think hard, sin x ka formula laga diya, 2 sin x by 2 cos x by 2, tan का बेसिक साइन बाय कॉस 2 कॉस एक्स, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 का 1 कॉस एक्स बाय 2 कट गया, 2 साइन एक्स बाय 2 इनटू साइन एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 कॉस एक्स, नाउ इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट 1 माइनस कॉस एक्स बिकॉज़ इट इज दिस फार्मूला, प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ अ बिगर नंबर, 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर यू कैन राइट 1 अपॉन sec स्क्वायर, and instead of sec square you can write 1 plus 10 square which is equals to RHS. अभी आपको बिना practice का कोई chance नहीं है आने का, and that is why I repeatedly says, continuously I am saying, you have to practice, you have to remember the formula, only option to get over trigo.
डन। Done? Yes, very good. So now we are starting the next exercise 3.4. Again, you have to write some formulas. Formula ka book banane bola tha maine. Agar aapne book banaya hai, aap uske पिक्स शेयर कर सकते हो आज शाम तक। इसमें ये फॉर्मूला भी ऐड कर देना, ऐड दिस फॉर्मूला आल्सो। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला दिस इज इम्पोर्टेंट है ना, ये सब आपको ट्वेल्थ में भी काम आने वाला है। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। नाउ इन दिस वी हैव द फॉर्मूला लाइक साइन सी प्लस साइन डी, गेटिंग इट। इसके पहले अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन सी प्लस डी। सी दैट फॉर्मूला इज डिफरेंट, वी हैव लर्न्ड साइन सी प्लस डी। ये फॉर्मूला अलग है, साइन ए कॉसाइन, साइन ए प्लस बी बोलो या सी प्लस डी, साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी इसका आंसर आता है। नाउ क्या लिखा अपन ने, साइन सी प्लस साइन डी। हाँ, दिस आर दिस आर कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। सेकेंड फॉर्मूला में लिखता हूँ साइन सी माइनस साइन डी। थर्ड फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी। एंड फोर्थ फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी। सी आई हैव अ टेक्निक टू रिमेम्बर। फर्स्ट राइट डाउन ऑल दिस फोर फॉर्मूला क्वेश्चन, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। राइट डाउन ऑल, then you write down 2 here, everybody, 2 2 2 2. then you write down c plus d by 2, thoda jagah chhod ke c minus d by 2, c plus d by, yahan pe khali ek minus kar dena, c minus d by 2, c plus d by 2, c minus d by 2. I am giving you the trick to remember the formula. This is how I remember. Sub me 2, 2, 2, 2, last me minus 2, C plus D by 2, C minus D by 2. Now write here, jahan pe jagah choda hai, sine, cos, cos, sine, cos, cos, sine, sine. So, if you ask me any formula, I can tell you sine C plus sine D will be 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Sin c minus sin d will be 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. And jab cos c minus cos d aega, cos c minus cos d aega, to minus ka sign aage lena hai. Minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Here it is. So what is the technique to remember? Write 2, 2, 2 and minus 2. C plus D by 2, C minus D by 2. First formula, sine cos, cos sine, cos cos, sine sine. That's the easiest way. That's the easiest way.
डन? नो सर। आज शाम तक फॉर्मूला के बुक के फोटोज आ जाने चाहिए। आज शाम तक फॉर्मूलास के बुक के फोटोज आ जाने चाहिए। जिन्होंने लिखा है वो अपडेट करो, जिन्होंने लिखा नहीं वो आज ही बनाओ। चैप्टर नंबर 1 एंगल इन इस मेजरमेंट, इसमें जो फॉर्मूलास आपने सीखे हैं। चैप्टर नंबर 2 ट्रिगो 1, चैप्टर नंबर 3 ट्रिगो 2, जितने फॉर्मूलाज है वो सब फॉर्मूला एक फुल स्केप के बंडल पे आने चाहिए। अदरवाइज नोटबुक बनाओगे तो बेटर है। फिर वहां पे अपन ने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें ज्यादा कोई फॉर्मूला है नहीं, बट स्टिल इफ यू रिमेम्बर समथिंग यू कैन राइट इट डाउन। So moving on to the next formula, which is called as defactorization. Defactorization formula. Give the heading defactorization. Defactorization formula. Now here also we have four formulas, 2 sin a cos b. See, now the formula is in the form of multiplication, 2 cos a sin b, getting it? 2 cos a cos b and 2 sin a sin b. वो फॉर्मूला में प्लस था, साइन सी प्लस साइन डी था, और आंसर में मल्टीप्लिकेशन था। यहाँ पे क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन है और आंसर में प्लस माइनस आ जाएगा। सो द आंसर इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ये लास्ट सम में पहले आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। लास्ट फॉर्मूला इज ऑलवेज ट्रिकी। हाँ, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, यस कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एंड साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यू कैन रिलेट दिस टू फॉर्मूलास, यू कैन रिलेट दिस टू फॉर्मूलास। फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन आर एक्चुअली अपोजिट टू ईच अदर। वन कन्वर्ट सम टू प्रोडक्ट, दिस कन्वर्ट प्रोडक्ट टू सम, नथिंग एल्स। Remember, try to remember the formulas. Try to remember the formulas, guys.
डन. सो डन, इज इट डन? चलो ओके ओके. देर आर फोर फॉर्मूलाज ऑफ फैक्टराइजेशन, देर आर फोर फॉर्मूलाज ऑफ डी फैक्टराइजेशन. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.4 बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज. So I'm showing you the one sum of question number one. There are four sums. We have to solve remaining three. Express the following as sum or difference. Sum or difference of the two trigonometric function. Okay, sum or difference mein convert karna hai. एक्सप्रेस करना है. टू साइन एक्स, टू साइन फोर एक्स इंटू कॉस टू एक्स. सी दिस इज रिलेट विद द फॉर्मूला, डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला. देखो डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला और कौन से फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हो बताओ. यस एनीवन, कौन से फॉर्मूला से रिलेट हो रहा है ये? टू साइन ए कॉस बी. वेरी गुड बेटा, टू साइन ए कॉस बी. सो वी कैन राइट हियर टू साइन ए कॉस बी. क्या फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी, दिस इज आर ए, दिस इज आर बी. साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. गेटिंग इट? सो साइन फोर एक्स प्लस टू एक्स सिक्स एक्स, साइन फोर एक्स माइनस टू एक्स विल बी टू एक्स. दिस इज द आंसर. दैट्स इट. Solve this second one and third one. Cos 4 theta, cos 2 theta. Any doubt, any question, tell me. Apply the appropriate formula and convert into sum or difference. This is sum or difference. 2 cos 35, cos 75. 2 cos 35, cos 75. रीजन में लिखना है. नहीं, ये try to solve second, third and fourth, then we'll discuss the answer. You can refer the formula. You can refer the formula, guys. Solve it and tell me the answer. मैं आंसर बोलूंगा, आपको चेक करना है. डोंट डिस्क्लोज द आंसर्स. इफ यू आर डन, डोंट डिस्क्लोज. आई विल अनाउंस.
वेरी गुड प्रणव अभिषेक, वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड अभिषेक. I'll write the answer directly, okay? You have to check. Yes, Tamanna, kya baat hai? Very good. Tamanna, shabash. Yes, Raj. Very good, Raj. Kartike, very good. Kartike, very good, yeah. Very good, Vedant. Good, good. Very good, Nishant. Good one, Jeba. Yes, Kaushal, Mihir, very good. What about Dakshesh, Rahul? Aditi, Sakshi. Yes, Mehul, very good. Yes, Dhwani, Shabash. Very good, Dhwani. Lakshesh, Kostub, Nasir, Pratesh, Aditi. Come on. Yes, Kostub, very good. Kostub, slow gaya. Kostub, kya problem hai? Slow kyu? Yes, Nasir, very good. So, now I am giving you the answers. Okay, 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 Kostub. I was expecting. Chalo. Check the answer. The second answer is 7 pi by 6 sine 7 pi by 6 7 pi by 6 plus sine pi by 6. That's it. That's it. Third ka answer is cos 6 theta plus cos 2 theta. Cos 6 theta plus cos 2 theta. And fourth ka answer is fourth ka answer is cos 110 plus cos 40. So tell me. Sir. Haan. Sir, fourth ka answer ek aisa aaya cos 110 and cos 40. सर सेकेंड जो इसका फॉर्मूला है ना वो है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी तो 35 माइनस 75 होगा ना तो माइनस में आंसर आएगा ना तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना है व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा यस देयर यू आर और सर सर जो सेकेंड वन है उसका पाई को अगर कन्वर्ट के लिए चलेगा ना मैंने इसको इसके पाई को कन्वर्ट कर दिया चलेगा लेकिन जब ही क्वेश्चन आपको पाई में पूछा जाता है ना क्वेश्चन आपको पाई में पूछा गया आंसर भी आपको पाई में ही रखना है चलेगा रॉन्ग नहीं है बट आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे दैट्स नथिंग एल्स यू कैन सॉल्व नो प्रॉब्लम ओके ओके यस सर सेकंड सम करता हूँ सेकंड वाला में क्या प्रॉब्लम आ गया बेटा टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी, एलसीएम लेने में गड़बड़ किया होगा आपने, साइन ए माइनस बी साइन, एलसीएम लोगे तो 2π प्लस अच्छा 2π/3 है, मैंने सिर्फ पाई लेके रखा है, इसके लिए आपका आंसर यहाँ पे पाई हो जाएगा। ओके आई गॉट इट, आंसर आएगा साइन 2π - π/। ये आंसर, ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर चेंज होगा फिर, यस इसके लिए उसने क्वेश्चन किया मेरे को -3π/6। सो ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर विल बी साइन 5π/6 और माइनस हो जाएगा साइन 5/6। ये क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर आएगा, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या है जेबा 2π। सो एनीवेज यू हैव डन राइट, अगर क्वेश्चन आपने पाई लिखा है तो आपका आंसर साइन 5/6 माइनस साइन 5/6 आएगा, अगर आपने क्वेश्चन में 2π लिखा है टेक्स्ट बुक में से देख के तो आपका आंसर ये राइट है। एनीवेज फॉलो द मेथड गाइस, कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू का एक सम करते हैं। So we are on to question number 2, prove that first sin 2x plus sin 2y, sin 2x plus sin 2y divided by sin 2x minus sin 2y equals 10x plus y upon 10x minus y, okay। अब ये फॉर्मूला लगेगा फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला, लिसन टू मी वेरी केयरफुली देन बाद में लिखो, साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू अपॉन साइन सी माइनस साइन डी विल बी टू कॉस C plus D by 2 into sine C minus D by 2, okay? ये 2 और ये 2 गया, ये दोनों का 2 कॉमन निकलेगा देखो, और ये वाले 2 के साथ चला जाएगा, सिमिलरली ये दोनों का 2 कॉमन निकलेगा इसके साथ, ये दो 2 कॉमन निकलेगा इसके साथ कट होगा, ये 2 कॉमन निकल के इसके साथ कट, सो दिस विल बी x plus y cos x minus y upon का 2 कट हो गया cos x plus y into sin x minus y, now tell me sin upon cos will be 10x plus y into cos upon sin will be cot x minus y, now this cot x minus y can be written as 1/10, so 10x plus y divided by 10x minus y which is nothing but equals to RHS. Yes, any questions? Any question, guys? No, sir. Very good, very good, very good. Doubt? You still got a doubt? बोलो, इज इट क्लियर?
So anyone has a got, anyone got doubt, please ask. So we'll stop here. Yes, yes, done. Very good. We'll stop here today. I'm sending you an assignment now. Just now I send you assignment. आज शाम तक खत्म हो रहा है तो या कल सुबह तक खत्म करके भेजो. ओके चलो बाय बाय. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. आई एम सेंडिंग यू असाइनमेंट राइट नाउ. प्लीज चेक एंड यू हैव टू सबमिट फॉर्मुला बुक बाय टुडे इवनिंग ओनली. जिन्होंने बनाया है वो अपडेट करेंगे. जितने फॉर्मूला अभी तक हुए वो सब फॉर्मूला चाहिए मुझे. राइट दी नेम ऑन योर होमवर्क बुक or on the full scale bundle. Whatever formula you are getting, please write all the formula in a book and post me. Okay, so for today we are done. The bells are off. Test match mein jab match khatam ho jate to bells niche gira dete. So as of today, end of day's play. Milte hain next lecture mein. Till then, bye bye, take care, see you, bye.